इस वीडियो में हम आपका जानेंगे हिंदी का बिहार बोर्ड का जो है चैप्टर क्लास। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास एक एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर नंबर 5 जानेंगे, पाठ 5 जिसका नाम है हुनरू का जल प्रपात। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कामता प्रसाद सिंह का काम रचित पाठ शीर्षक है कामता प्रसाद काम किस पाठ का लेखक है, हुनरू का जल प्रपात, करमवीर, विक्रमशिला, खेमा। तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए अब हम जवाब देते हैं, देखिएगा कितना आपको सही होता है। ऑप्शन नंबर को हुनरू का जल प्रपात इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 2 है हुनरू का पानी किस तरह छलांग भरता है, क है बिल्ली, ऑप्शन नंबर घ शेर, ऑप्शन नंबर घ चीता, ऑप्शन नंबर घ हिरण। तो इसका ऑप्शन नंबर घ हिरण सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुनरू का पानी डैश की तरह चक्कर काटता है, क बिल्ली, ख चूहा, ग नेबला, घ सांप। तो इसका उत्तर होगा घ सांप। अब देखिए पुरलिया रोड से हुनरू की दूरी कितनी है, पूर्णिया रोड से हुनरू की दूरी कितना है, 0.3 मील, 13 मील, 23 मील, 33 मील, कितना मील है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख होगा 13 मील। आपका 5वां प्रश्न है हुनरू का जलप्रपात गद्य की कौन सी विधा है, यात्रा वृतांत, पर्यटन, चर्चा, कहानी, निबंध, क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा क यात्रा वृतांत, ठीक है, समझे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है हुनरू का जल प्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है, 100 फीट, 243 फीट, 400 फीट, 500 फीट। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ख 243 फुट। आपका 7वां प्रश्न है हुनरू का जल प्रपात रांची से कितनी दूरी पर है, 20 मील की दूरी पर, 22 मील की दूरी पर, 25 मील की दूरी पर, 27 मील की दूरी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर घ होगा 27 मील की दूरी पर। 8वां प्रश्न है हुनरू की शोभा कैसे बना है, क सरकार द्वारा, ख प्रकृति द्वारा, ग घाटियों और नदियों द्वारा, और घ वहाँ के निवासियों द्वारा। तो इसका 8 का हो जाएगा ख प्रकृति द्वारा। 9वां प्रश्न है जैसा हुनरू का झरना वैसा उसका मार्ग किसने कहा, लेखक ने, लेखक के दोस्त ने, सैलानियों ने, वहाँ के निवासियों ने। 9वां नंबर का ऑप्शन नंबर क होगा लेखक ने ऐसा कहा। 10वां प्रश्न है हुनरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है, आदिवासी संस्कृति का, मुस्लिम संस्कृति का, सिख संस्कृति का, ध्वा होगा ईसाई संस्कृति का। तो 10 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर क होगा आदिवासी संस्कृति का। 11वां प्रश्न है हुनरू का जलप्रपात किसकी रचना है, प्रेमचंद, पंत, जयशंकर प्रसाद, घ है कामता प्रसाद सिंह काम। तो इसका ऑप्शन नंबर घ होगा कामता प्रसाद सिंह काम। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है हुनरू जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया है, जिला बोर्ड ने, वहां के राजा ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा क जिला बोर्ड ने। 13वां प्रश्न है छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है, नर्क है, जंगल है, स्वर्ग का टुकड़ा है, व्यावान भूमि है। तो इसका उत्तर गो होगा स्वर्ग का टुकड़ा है। 14 नंबर प्रश्न है स्वर्ण रेखा एक बैस है, झरना है, नदी है, झील है, तालाब है, उत्तर होगा गो इसका तालाब है। अगला प्रश्न है 15 नंबर स्वर्ग का एक टुकड़ा क्या है, मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर, सिंहभूमि। तो होगा गो नंबर छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। और कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हमने VVI क्वेश्चन से जाना है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अगली वीडियोस में आप ये क्लास या अपने क्लास से संबंधित कोई विषय देखना चाहते हैं। तो थैंक यू।